अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लर्निंग पोर्टल ऑफ ओनर किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी गोना लर्न द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इन दिस टॉपिक वी गोना कवर द एक्सरसाइज फ्रॉम 4.2 टू 4.6 एंड दिस एक्सरसाइज वी कैन आल्सो लर्न टू हाउ टू कैलकुलेट द पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द इनहेरिटेंस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ टू इंटरनेशनल करेंसीज, कैलकुलेशन ऑफ मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन बाय कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फर्स्ट वी गोना लुक एट द डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप, इनहेरिटेंस, कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, प्रिंसिपल अमाउंट, मार्कअप, प्रॉफिट और मार्कअप रेट। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट लॉस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको जब शेयर किया जाता है तो इस चीज़ को पार्टनरशिप कहा जाता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस व्हेन अ पर्सन डाइज द एसेट्स लेफ्ट बिहाइंड बाई हिम इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कि जब कोई शख्स फोत होता है तो उसके पीछे जो भी एसेट्स उसके रह जाते हैं, जिसमें सोना, चांदी, ज़मीन, पैसा, जो कुछ भी है रह जाए, तो उस चीज़ को इनहेरिटेंस कहा जाता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ करेंसी, अ फॉरेन करेंसी रेट इज़ अ प्राइस दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मच इट कॉस्ट टू बाय द करेंसी ऑफ वन कंट्री यूजिंग द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। उसने कहा जी ये वो रेट होता है या वो प्राइस होती है, रेट इज़ अ प्राइस, ये वो प्राइस होती है जब एक कंट्री के पैसे से हम दूसरी कंट्री के पैसे खरीदे जाएं। ठीक है जी। अब वही प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। क्योंकि जो वो पैसा जो हम उधार के तौर पर लेते हैं या फिर बैंक में जमा कराते हैं उसे कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। मार्कअप, मार्कअप को आम जुबान में इंटरेस्ट से भी जाना जाता है, जिसे हम सूद कहते हैं। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू रन अ बिजनेस द बैंक इन रिटर्न रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट अलोंग विद एक्चुअल मनी गिवन। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विच द बैंक रिसीव्स इज नोन एज मार्कअप। जी हम जब बैंक से पैसे लेते हैं उधार के तौर पर, जिसे हम लोन का कहते हैं, अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो जो वापसी जब हम करते हैं बैंक को पैसे, तो उसके साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं बैंक वाले। जो वो बैंक वाले जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे होते हैं उसको मार्कअप कहा जाता है। प्रॉफिट और मार्कअप रेट, ठीक है जी। प्रॉफिट और मार्कअप रेट, द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू द इट्स अकाउंट होल्डर इज नोन एज प्रॉफिट और मार्कअप रेट। इट इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज। उसने कहा जी कि ये भी एक सूद की शक्ल है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, मगर उसका नाम प्रॉफिट और मार्कअप रेट से दे दिया गया है। कि जब बैंक, वो बंदा जिसने पैसे रखवाए होते हैं, डिपॉजिट करवाए होते हैं, उसको प्रॉफिट की सूरत में या मार्कअप की रेट की सूरत में देते हैं तो उसको प्रॉफिट या मार्कअप कहा जाता है और उसको हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। उसमें है जी पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 and 30,000 to start a business. If they earned a profit of 66,500 at the end of the year, find the profit of each one. उसमें कहता है जी कि असलम और अकरम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने एक ने 27,000 दिए और एक ने 30,000 किए दिए, और साल के आखिर में उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया उस बिजनेस से और 66,500 रुपीज़ कमाया।
तो उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाए इन दोनों के दरमियान, उसको देखने के लिए ये सोल्यूशन। रेशियो ऑफ कैपिटल्स जो हमने निकाली है वो असलम और अकरम की रेशियो निकाली, वो आई है जी 9+10। उसको जब हमने ऐड किया, जब ऐड किया तो 19 आंसर आया। टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 66,500। जब असलम का प्रॉफिट निकाला गया जो, तो 9 उसकी जो परसेंटेज निकली थी प्रॉफिट कैपिटल की, उसको डिवाइड किया टोटल सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट से, तो हमारे पास आंसर आया 31,500। इसी तरह अकरम का भी हमने प्रॉफिट को इसी तरह किया। अकरम की जो थी रेशो थी 10 थी और सम ऑफ रेशो जो थी वो 19 थी। 10 को जब 90 से डिवाइड किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 66,500 से, जो टोटल प्रॉफिट था उससे, तो उससे आंसर हमारे पास आया 35,000 रुपीज़। आया। इसको एक्सरसाइज नंबर 4.2 में ही जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, उस नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी स्टार्टेड अ फिल्म विद रुपीज़ और 20,000, 60,000 एंड 18,000 रेस्पेक्टिवली। ए केप्ट इस मनी फॉर 4 मंथ, बी फॉर 6 मंथ एंड सी फॉर 8 मंथ। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 अमंग दीज फ्रेंड्स। उसमें कहा जी कि इसके अंदर एक नई चीज़ उसने साथ ऐड किया है, वो है जी टाइम। वो मंथ्स में टाइम दिया उसने, देखिए जी 4 मंथ, 6 मंथ और 8 मंथ। इसको करने का तरीका ये है कि पहले हम जो सॉल्यूशन रेशियो ऑफ कैपिटल्स निकालेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल्स में जो हमें जो उन्होंने शेयर दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 2,000, 16,000 और 18,000, उसको रिस्पेक्टिवली उनको हमने मल्टीप्लाई किया रिस्पेक्टिवली उनके टाइम के साथ। 4 के साथ 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया। हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया इस तरह, तो हमारे पास आंसर आया 80,000, 96,000, 144,000। ठीक है जी, इसको हम आगे फर्दर करते गए तो आखिर में जो हमें लास्ट में जिनको मिला है वो जो रेशोज मिली हैं 5, 6, 9, ये तीनों की ए बी सी की रिस्पेक्टिवली। हमने इनको जब ऐड किया, सम ऑफ रेशोज निकाली तो आया 20। टोटल प्रॉफिट हमारे पास था जी 12,000। अब जिस तरह हमने पहले पीछे हमने किया था असलम और अकरम के क्वेश्चन में, सेम उसी तरह हमने करना है। हमने रेशो को जो ए की रेशो आई है जो कि है 5, उसको डिवाइड करना है टोटल सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट से। जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास आंसर आया 3,000। इसी तरह जब बी का किया तो हमारे पास आंसर है 3,600। जब सी का किया तो 5,400 आपके पास आंसर आ गया। अब इससे ये जो है इससे साबित हो गया कि हम उसको किस तरह हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और लॉस को भी हम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस तरह हम प्रॉफिट को कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो लॉस के साथ होंगे, तो हमने उनको भी इसी तरीके से करना है। अब जी एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम इनहेरिटेंस लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को पढ़ेंगे। इसमें है जी पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्या है जी, असगर अली डाइड लिविंग एसेट वर्थ ऑफ 655,2775। फ्यूनरल एक्सपेंसेस वर 5,275। He had to pay ₹50,000 to the debt. After making these payments, his widows shall get 1/8
of the remaining property. Find the share of his son, one daughter. When the share of son is double the share of his daughter. उसने कहा जी कि अब इसको करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन. टोटल एसेट हमारे पास कितना है जी, वो है जी 655275, जबकि जो उसके एक्सपेंस हुए हैं वो हैं जी 5275 प्लस 50,000. आंसर हमारे पास आया 55,275. जब उस में से जो हमारे पास टोटल एसेट में से जब ये माइनस किए सारी एक्सपेंस को, जिसमें डेट भी था, फ्यूनरल एक्सपेंस भी थे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आई 6 लाख. अब 6 लाख को हमने डिवाइड करना वीडियो में उसके जो बेटा है और बेटी में, बेवा बेटा बेटी में. अब इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट बताता जाऊँ कि जब कोई शख्स फोत होता है, मरता है, तो उसकी अगर बेवा सिंगल हो, उसका कोई बच्चा या बच्ची ना हो, तो उसका रेट जिस रेट से उसको डिवाइड किया जाएगा इनहेरिटेंस को, वो होगा 1/4. 1/4 जो है फोर्थ जो होगी इनहेरिटेंस में से रकम, ज़मीन, सोना चांदी, वो बेवा को जाएगी. लेकिन अगर उसके कोई बेटा या बेटी मौजूद है तो उसके उसको 1/8 के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद है. जब हमने वीडियो का शेयर निकाला, 1/8 को मल्टीप्लाई किया 6 लाख से, तो हमारे पास आंसर आया 75,000. और रिमेनिंग इनहेरिटेंस क्या रहेगी हमारे पास, जब हमने 6 लाख में 75,000 को निकाला तो पास हमारे पास आंसर आया 525,000. उसके बाद हमने रेशियो सन और डॉटर की निकाली. ये याद रखिएगा कि जितने भी बेटे होंगे उनका जो शेयर होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2, और बेटी का हमेशा 1 से, जैसे कि इधर दिखाया गया. एक बेटा है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बेटी उसे 1 से मल्टीप्लाई किया. अगर मिसाल के तौर पर किसी के 3 बेटे होते तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करते. तो 6 उसकी रेशियो आती. और अगर बेटियां 4 होती तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते, तो आंसर होता 4. इसके बाद इनको ऐड करते, जैसे कि ये इधर की हमने किया 2+3 2+1=3. शेयर सन शेयर क्या जी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 525,000. उसे जो हमने डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर आया 3500. इसी तरह जब हमने डॉटर का जब हमने किया 1/3 और उसे मल्टीप्लाई किया 525,000 से, तो हमारे पास आंसर आया 175,000. ठीक है जी, यहाँ पे 4.3 ख़त्म होती है जी, आया 4.4 पे. कन्वर्ट पाकिस्तानी करेंसी टू वेल नोन इंटरनेशनल करेंसी. इसमें जी पाकिस्तानी करेंसी को चेंज किया जाता है जी दूसरी करेंसीज के अंदर. इसके अंदर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 और 4. पहले 3 को क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे जी कि कन्वर्ट 50,000 इनटू सऊदी रियाल. हमने जो पैसा पाकिस्तानी रुपीज़ है 50,000, उसे सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना, जबकि एक सऊदी रियाल पाकिस्तानी 26.85 रुपीज़ के बराबर है. ठीक है, सोल्यूशन अमाउंट और अमाउंट टू बी कन्वर्टेड वो है जी 50,000. रेट ऑफ 1 रियाल वो है जी 26.85. नंबर ऑफ सऊदी रियाल क्या होंगे, हम क्या करेंगे 50,000 को डिवाइड करेंगे 26.85 से,
जब 26.85 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1862.20 सऊदी रियाल्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में 48,000 इनटू इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी 48,000 है उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, जबकि एक पाकिस्तानी रुपीज़ सॉरी एक इंडियन रुपीज़ की जो कीमत है पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले में 1.60 है। सॉल्यूशन, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड 48,000, रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ क्या जी 1.60, जब हमने 48 को डिवाइड किया 1.60 से तो हमारे पास आंसर आया 30,000, मतलब कि हम पाकिस्तानी 48,000 देंगे तो इंडियन रुपीस जो हमें मिलेंगे वो 30,000 मिलेंगे। इसी तरह हमने सारे क्वेश्चन करने हैं 4.4 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.5 की तरफ। इसमें हम इंटरेस्ट मार्कअप को मार्कअप टाइम इंटरेस्ट रेट को सब कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो मदर या फादर मदर जो फार्मूला है वो ये है जिससे सारे फार्मूले बनते हैं, वो है जी सिंपल इंटरेस्ट या मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, अब ये साथ में आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है, ये रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट है और ये टाइम है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बताई भी इंटरेस्ट बताया हुआ कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ और उसने टाइम बताया हुआ कितने ईयर में इसने पे किया है तो हम उससे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें रेट हमें ये वाला फार्मूला है, इसमें अगर हमें टोटल कितने 4 चीज़ें हमें दी हुई उसने, 4 में से अगर हमें 3 पता हो तो हम फोर्थ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जाते इस ये एक्सरसाइज है 4.5, इसमें हम ये सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे। एट व्हाट एनुअल रेट प्रेजेंट वुड 6800 रुपीज़ अमाउंट टू दी 9044 इन 11 ईयर्स। इसने कहा रेट ऑफ निकाले इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, जो जो हमें डाटा दिया हमने वो लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी थी 6800, ठीक है, प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो हमारा था वो उसको हमने फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करना है, जो हमने अमाउंट 11 ईयर में पे करनी है उसमें से 68 प्रिंसिपल अमाउंट को हमने माइनस करना है, मतलब कि हमने ऐसे इस तरह करना है कि आई इज इक्वल टू नाइन ज़ीरो फोर फोर माइनस 6800। ठीक है जी, हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2244। टाइम हमारा जी 11 ईयर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए ये फार्मूला है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय दी 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये 100 इसलिए कहें क्योंकि रेट हमेशा जो होता है वो परसेंटेज में होता है, तो इसलिए हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारा जी 2244 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट है 6800 और टाइम हमारा जी 11 ईयर, तो उसका जो आंसर आया है वो है जी 3%। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। इसी तरह 4.5 में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सईद इन्वेस्टेड 12,000 एट
8 hold number 1/2% per year profit, how much the amount be after 2 years and 6 months? इसमें भी उसने टाइम बताया हुआ है। उसने कहा जी कि सईद ने इन्वेस्ट किया है, जो उसने इस तरह इन्वेस्ट किया कि उसे बताया गया कि जी आपको जो प्रॉफिट हासिल होगा वो 8 whole number 1/2% के हिसाब से आपको हासिल होगा, और हाउ मच द अमाउंट बी आफ्टर 2 years and 6 months। उसने कहा जी अगर वो प्रॉफिट उसमें से ना निकाले जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके की कितनी अमाउंट हो जाएगी अगर 2 साल और 6 माह के बाद, ठीक है, 2 years and 6 months के बाद उसकी कितनी अमाउंट टोटल हो जाएगी, उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 12,000, रेट ऑफ हमारे पास इंटरेस्ट क्या जी 8 whole number 1/2, उसको हम उसको ख़त्म करेंगे होल नंबर को तो क्या आएगा 17/200, सॉरी ये गलत किया उसने इधर, 17/2 होगा, 17/2 टाइम हमारे पास है 2 years and 6 months। हमेशा याद रखिए कि टाइम हमेशा ईयर्स में होता है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है इसके अंदर या कैलकुलेशन के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं ईयर्स जो होता है वो हमेशा टाइम हमेशा ईयर्स में होता है, ठीक है। अगर वो ईयर्स में नहीं होगा, वो डेज या मंथ्स में होगा, तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 years 6 months इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2 years, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा, हम ये फार्मूला अपना कर रहे हैं यही वाला जो मैंने सबसे पहले किया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है जी। अब हम 12,000 हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 17/2, अब इंटरेस्ट परसेंटेज को हमने डिजब ख़त्म किया, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 5/2, जब हमने इनको सारों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया जी 30 × 17 × 5, और उसका आंसर हमारे पास आया 2550। ये हमारा प्रॉफिट था 2.5 years का। इस प्रॉफिट को जब हमने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया तो टोटल अमाउंट जो हमें मिल रही होगी 2.5 years के बाद वो होगी 14,550 rupees, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.6। इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इन सारे फार्मूलाज को हमें देखना है कि ये क्या होते हैं और ये क्या चीज़ क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ये द प्राइस एट विच अ पर्सन बाइज अ प्रोडक्ट नोन एज कॉस्ट प्राइस। मतलब कि आपको पता है कि जब भी कोई शख्स चीज़ ख़रीदता है जो उसकी जो कीमत होती है उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस, कि जब कोई दुकानदार या कोई बंदा भी किसी दूसरे को कोई चीज़ बेचता है तो जो बेचता है जिस कीमत पे बेचता है उस कीमत को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस में फ़र्क ये होता है कि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, तो फिर ही आपका प्रॉफिट होगा। अगर जैसे कि ये इस फार्मूले में है, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ गई उस सेलिंग प्राइस से बड़ी हो गई तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये वाला है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह अगर सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी हो तो
हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, कॉस्ट प्राइस की जरूरत होगी मल्टीप्लाई बाय वन ओवर प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। ये फार्मूला है प्रिंसिपल सॉरी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का। लॉस में इसी तरह लॉस का नीचे हमने फार्मूला मौजूद है हमारे पास, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इस तरह हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। 4.6 में क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, अ होल सेलर सेट्स हिज सेल प्राइस ऑफ एडिंग 50% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस, द रिटेलर एड 25% टू द प्राइस, ही पेज द होल सेलर टू फिक्स हिज सेल प्राइस, एट वट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल आर आर्टिकल विच कॉस्ट द होल सेलर 400। उसने कहा जी कि एक होल सेलर है वो 15% कॉस्ट की के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर ऐड करके रिटेलर को बेच देता है, और रिटेलर जो है वो 25% ऐड करके 25% ऐड करता है और होल सेलर को फिक्स करता है कि इसकी प्राइस फिक्स कर दी जाए। अब वो कहता है कि अगर रिटेलर एट वट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल, कि उसने सुना कि अगर रिटेलर किस प्राइस पे बेचेगा कि एन आर्टिकल विच कॉस्ट द होल सेलर 400, कि वो किस प्राइस पे बेचेगा कि जो होल सेलर को जो है जी उस एक आर्टिकल की जो प्राइस है 400 पड़े। ठीक है जी, उसको करने का तरीका सलूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर हमारे पास पता चल के 400 है, रेट उसने जो परसेंटेज ऐड की है वो 15% है, तो एडेड अमाउंट बन के 400 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15% से तो हमारे पास आंसर आएगा 60। अब जब हम 60 को ऐड करेंगे 400 में तो 460 बन जाएगा, ये हमारी होल सेलर की सेलिंग प्राइस मिल गई हमें। उसने कहा इसके ऊपर जो रिटेलर होता है वो 25 ऐड कर देता है, 25% ऐड करता है, मतलब कि 400 के ऊपर 25 ऐड करता है वो, तो होल सेलर की जो प्राइस है उसके ऊपर 25 ऐड करता है रिटेलर, वो है जी 400 को से भी 25% हमने लिया तो आया 115, मतलब 115 रुपीज़। अब 460 में 115 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 575 रुपीज़, मतलब के जो रिटेलर पे करे रिटेलर जो सेल करेगा जिस प्राइस पे उस वो प्राइस होगी 575 रुपीज़ पे वो कंज्यूमर को सेल कर रहा होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर आगे चले तो समरी, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस हमने जो देखा है इसमें आज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इन इनहेरिटेंस, मतलब कि हमने इनहेरिटेंस के अंदर वेल्थ को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने ये भी देखा आज, हाउ टू कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीज़ टू इंटरनेशनल करेंसी हमने ये भी देखा है। उसके बाद ही हमने कहा जी कि हमने ये भी देखा कि हाउ टू कैलकुलेट मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटरेस्ट एंड टाइम, और आल्सो हमने इसके अंदर देखा एंड दैट्स इज फॉर दिस पोर्टल। इंशाल्लाह ताला आई होप यू लर्न इट एंड यू विल कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5 and 6, मैच योर आंसर विद द आंसर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न इट। थैंक यू वेरी मच।